दोस्तों गुड इवनिंग। आज के अपन इस क्लास के अंतर्गत जो जेनेटिक्स का पार्ट जो चल रहा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशली इसमें मेंडल का जो नियम है उससे रिलेटेड क्रोश के बारे में क्वेश्चन आता है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे क्रोश, जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रोश क्या है, डायहाइब्रिड क्रोश क्या है, टेस्ट क्रोश क्या है, बैक क्रोश क्या है, रेसिप्रोकल क्रोश क्या है। इस क्लास में अपन क्रोश के बारे में स्टडी करेंगे। यदि अपने को क्रोश क्लियर है तो अपन आगे मेंडल के जो नियम हैं उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। जिससे अपन सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, मोनोहाइब्रिड क्रोश के बारे में, एक संकर क्रोश के बारे में, कि एक संकर क्रोश क्या है। एक संकर क्रोश, देखो दोस्तों, क्रोश का मतलब होता है, मेंडल ने मटर के पौधे पर पीढ़ी दर पीढ़ी एनालिसिस किया था कि जो जेनेटिक करैक्टर है, आनुवंशिक लक्षण है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे जाते हैं। मेंडल ने बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों को ले जाता है वो क्या होता है, फैक्टर होता है, कारक होता है, जिसको वर्तमान में जॉनसन ने उसको क्या कहा है, जीन कहा है। तो यदि अपन एक जोड़ी विपरीत युग्म की लक्षण लेकर के क्रॉस कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड या एक संकर क्रोश कहते हैं। दोस्तों ये अपना गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र के ऊपर ये लगे रहते हैं लोकस, ये लोकस है और इस लोकस के ऊपर ये जीन है, और ये जीन है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, लक्षणों के लिए। जैसे अपन कोई भी जीन है उस जीन के लिए कोई भी एक लक्षण ले लिया, जैसे अपन लंबाई का लक्षण ले लिया, लेंथ का, लंबाई का लक्षण, तो दोस्तों इस जीन है, इस जीन के क्या होता है, कई रूप होते हैं। जैसे जीन है लंबाई के लिए तो इसके दो रूप मान लिए, एक तो ये रूप है, ये क्या है, एक ये रूप है छोटा टी, एक बड़ा टी है छोटा टी है। ये जो छोटा टी है ये लंबापन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लंबापन, और ये छोटा टी है ये बोनापन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बोनापन। तो ये एक जीन के ये जो दो रूप है, रूपों को अपन क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। जैसे ये लंबेपन के लिए जो रूप है वो कौन सा होता है, प्रभावी है, और ये क्या है, अप्रभावी है। तो देखो एक जोड़ा हो गया, एक तो प्रभावी का हो गया, एक क्या हो गया, अप्रभावी का हो गया। तो अपन एक जोड़ी विपरीत युग्मक लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराते हैं वो क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो लंबा टी है वो तो क्या होता है, प्रभावी है, ये कैसा है, अप्रभावी है। तो अपन देखो दोस्तों कैसे क्रॉस कराते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है, पीढ़ी दर अपन पीढ़ी कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे जीनोटाइप निकालते हैं, कैसे फिनोटाइप निकालते हैं। पिछली बार भी प्रयोगशाला साहित्य के अंदर एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, अभी ग्रेड के अंतर्गत पूछा है, तो अपन बात करते हैं डिस्कस। जिससे अपने पास पादप है, एक तो मेल प्लांट है और एक अपने पास फीमेल प्लांट है, फीमेल है, एक तो मेल है एक फीमेल है। यदि अपने इसके अंदर देखें मेल है तो ये मान लिया अपन ने टी टी है, और फीमेल को अपन ने ये मान लिया छोटा टी छोटा टी। ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है, ये अप्रभावी है, ये प्लांट है ये लंबा है, जो मेल है वो लंबा है और जो फीमेल है वो बोना है। देखो दोस्तों इसके अपन जो भी गेमिट बनेंगे, दो गेमिट बनेंगे दोनों एक जैसे, इस कारण अपन एक गेमिट मान लिया, ये एक गेमिट बना है और ये दूसरा है, इसका भी एक गेमिट बना है, ये गेमिट है, ये दो गेमिट बने और ये दोनों आपस के अंदर जुड़ेंगे तो अपने पास ये एक F1 पीढ़ी मिल गई, इसको F1 पीढ़ी कहते हैं। और F1 पीढ़ी के अंदर अपने को चार प्लांट मिलते हैं और चारों के चारों पादप कैसे होते हैं, लंबे लंबे क्यों हैं, क्योंकि टी क्या होता है, प्रभावी होता है, और ये छोटा टी क्या होता है, अप्रभावी होता है। मेंडल ने अपने प्रभाविता के नियम में ये बताया था कि जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों जीन प्रेजेंट है, दोनों एलील प्रेजेंट है, एक जीन के दोनों रूप प्रेजेंट है, तो उसने कहा था कि प्रभावी एलील का लक्षण उत्पन्न होता है, अप्रभावी एलील का लक्षण उत्पन्न नहीं होता है।
जिस एलील का लक्षण उत्पन्न होता है वो प्रभावी है, जिसका उत्पन्न नहीं होता है क्या है अप्रभावी है। तो ये बड़ा टी प्रभावी है, छोटा टी क्या है अप्रभावी है। ये अपने को F1 पीढ़ी मिली है। F1 पीढ़ी के अंतर्गत अपने को जो प्लांट मिले हैं 100% वो पादप कैसे हैं लंबे, 100% लंबे पादप प्राप्त होते हैं अपने को, 100% लंबे पादप है। अब देखो दोस्तों अपन F2 पीढ़ी में जीनोटाइप और फेनोटाइप का एनालिसिस करते हैं, और F2 पीढ़ी के लिए अपन प्राप्त कैसे करते हैं F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं F2 जनरेशन जो अपन प्राप्त करते हैं वो प्राप्त करते हैं F1 में स्वपरागण से, F1 में स्वपरागण से प्राप्त करते हैं। और F1 में स्वपरागण F1 क्रॉस F1 है, मतलब TT क्रॉस क्या होता है TT। इससे अपने को देखो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है, एक तो ये टी मिला है और एक अपने को ये टी मिला है, और इससे अपने को दो गैमेट मिले हैं, एक तो ये टी मिला है एक ये टी मिला है। यदि अपन देखें इसके अंतर्गत तो अपने को एक प्लांट ये मिला है और एक प्लांट अपने को मिला है ये, और इनके क्रॉस से अपने को मिला है एक प्लांट ये मिला है और एक प्लांट अपने को ये मिला है। दोस्तों देखो चार पादप मिले, इन चारों पादपों में से ये तीन पादप कैसे हैं लंबे, और ये एक पादप कैसा है बोने, बोना प्लांट है। अपन F2PD में ही जीनोटाइप और फेनोटाइप का एनालिसिस करते हैं। F2PD F1 में सेल पोलिनेशन के द्वारा प्राप्त होती है, और F2PD का एनालिसिस करने के लिए चेकर बोर्ड को काम में लेते हैं, जो पुनेट ने दिया था चेकर बोर्ड के द्वारा एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1PD में कितने परसेंट पादप लंबे थे 100%, किसके लक्षण उत्पन्न होते हैं प्रभावी के, F2PD कैसे प्राप्त करते हैं F1 में सब परागण के द्वारा। ये अपने को क्या मिली है F2PD मिली है। F2PD में जीनोटाइप और फेनोटाइप को एनालिसिस करने के लिए किसका यूज करते हैं चेकर बोर्ड का, चेकर बोर्ड को काम में लेते हैं। चेकर बोर्ड को किसने दिया था पुनेट ने दिया था। अब दोस्तों देखो अपन चेकर बोर्ड के अंदर एनालिसिस करते हैं तो इस प्रकार से आता है अपने पास, एक तो अपने पास टी है, एक अपने पास टी है, एक अपने पास टी है, एक अपने पास टी है। यदि अपन देखें इस प्रकार से एनालिसिस से रिजल्ट निकल के आता है, एक तो क्या होता है अपने पास मेल मान लेते हैं, एक अपने पास फीमेल मान लेते हैं। यदि अपन एनालिसिस करते हैं तो अपने पास एक प्लांट मिलता है ये, एक प्लांट अपने को दोस्तों ये मिलता है, एक प्लांट अपने को ये मिलता है, और एक प्लांट ये अपने को ये मिलता है। देखो दोस्तों ये चार प्लांट है, इन चार प्लांट से आज तक रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। यदि अपन देखें इसके अंतर्गत सबसे पहले फीनोटाइप देखें, फीनोटाइप दोस्तों फीनोटाइप का मतलब होता है कि जो प्लांट है उन प्लांट की मोर्फोलॉजी के आधार पर देखना भी कितने लंबे हैं कितने बोने हैं, मोर्फोलॉजी के आधार पर अपन जो उनका रेशियो डिटरमिनेट करते हैं वो क्या कहता है फीनोटाइप कहलाता है। जैसे यहां पर अपने को फीनोटाइप अपन देखें तो अपने को एक तो लंबे पादप मिलते हैं और एक क्या मिलते हैं बोने मिलते हैं, लंबे पादप और बोने पादप। देखो दोस्तों ये लंबा है ये लंबा है ये लंबा है, तीन तो अपने को लंबे मिलते हैं और एक अपने को क्या मिलता है बोना, चार में से तीन लंबे हैं, अर्थात 75% तो क्या है लंबे हैं और 25% क्या है बोने। क्वेश्चन आता है कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो F2PD है उसमें फीनोटाइप का अनुपात कितना है 3:1 है, फीनोटाइप में लंबे पादप कितने परसेंट है 75%, बोने पादप कितने परसेंट है 25% है। और ये अपन देखें जीनोटाइप, जीनोटाइप का दोस्तों मतलब ये होता है, जीनोटाइप का मीन्स ये होता है कि आनुषिक पदार्थ का विश्लेषण करके बताना कि भाई कितने परसेंट पादप लंबे हैं कितने बोने हैं, उसको अपन क्या कहते हैं फीनोटाइप कहते हैं। जैसे अपने को यहाँ पर फीनोटाइप देखें तो एक तो ऐसे पादप मिलते हैं, एक ऐसे पादप मिले हैं, एक ऐसे पादप मिले हैं। देखो दोस्तों एक तो ये मिला है, दूसरा ये दोनों सेम है तो ये मिले,
तीसरा ये मिले, टोटल अपने पास चार है, इसमें से ये कितने मिले एक, ये कितने मिले दो, ये कितने मिले एक। यदि अपन बात करें, यदि अपन बात करें तो दोस्तों फिनोटाइप के अंदर अपन देखें और जीनोटाइप के अंदर देखें, फिनोटाइप तो 3:1 है, जीनोटाइप 1:2:1 है। यदि क्वेश्चन ये आता है कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2PD के अंतर्गत कितने परसेंट पादप है जो शुद्ध लंबे हैं, देखो दोस्तों टोटल अपन बात करें 100 माने तो 25% ये है और 50% ये है और 25% ये है। शुद्ध लंबे देखें तो कितना परसेंट है, 25। शुद्ध बोने देखे तो कितने हैं, 25%। संकर लंबे देखे तो कितने हैं, 50%। यदि दोस्तों अपन इसके अंतर्गत क्वेश्चन ही आता है मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत कितने परसेंट पादप ऐसे हैं जो जनक के समान है, देखो दोस्तों अपन जनक जो लेके चले हैं ये ऐसे लेके चले हैं तो जनक के समान कितना परसेंट है, 50%। जनक के समान 50% है, नए कितने मिले 50% है। क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आता है कि कितनी टाइप की फिनोटाइप मिलेंगे, कितने टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे। यदि अपन टाइप्स ऑफ फिनोटाइप देखें, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप और टाइप्स ऑफ जीनोटाइप देखें, अपन टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप देखें, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप और फिनोटाइप देखें तो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप होता है 2n होता है और इसका मतलब होता है 3n होता है। यदि दोस्तों अपन बात करें टाइप्स ऑफ फिनोटाइप देखें, एन क्या है, कितने जोड़ी विपरीत युग्मकीय लक्षण लेके चलें, यहां पर अपन एक जोड़ी विपरीत युग्मकीय लक्षण लेके चलें, 2^1=2। देखो दोस्तों दो टाइप का है, एक तो यह है, एक कौन सा टाइप है, ये टाइप है। फिनोटाइप में एन का मतलब होता है कितने जोड़ी विपरीत युग्मकीय लक्षण लेके चलें, तो अपन कितने लेके चलें, एक जोड़ी, तो एन कितना है, 1 अर्थात 3। और आप देखो दोस्तों एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरे या कितने टाइप के, 3 टाइप के। ये अपने को क्वेश्चन ऐसे मिलता है कि कितने टाइप्स के गेमिट बनेंगे, गेमिट कितने टाइप के बनेंगे। दोस्तों टाइप्स ऑफ गेमिट देखें तो वो भी कितना होता है, 2^ कितना होता है, एन होता है। यहां पर अपन देखें इस क्रॉस के अंतर्गत कितने टाइप के गैमेट बने, तो एन इक्वल टू कितना है, 1 है, दो टाइप के। देखो दोस्तों टी और टी था तो अपने गैमेट देखें तो एक तो ये मिला था और एक कौन सा मिला था, अर्थात गैमेट कितने टाइप के थे, 2 टाइप के। आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये चेकर बोर्ड है, फिनोटाइप 3:1 है, 75% पादप लंबे हैं, 25% पादप क्या है, बोने। जीनोटाइप में देखो तो 1:2:1 मिलता है, 50% पादप जनक के समान है, 50% पादप नए कॉम्बिनेशन के द्वारा मिलते हैं, 50% जो पादप है शुद्ध लंबे हैं, 25% पादप है शुद्ध लंबे, 25% पादप है शुद्ध बोने और 50% पादप क्या है, संकर है। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप देखें तो 2^n होती है, जब एन क्या है, नंबर ऑफ जितने अपन एलील के पैर लेके चलते हैं वो है, जितने जोड़ी विपरीत युग्मकीय लक्षण लेके चले उनकी संख्या है, या एक लेके चले तो एक है, कितने टाइप के होगी, 2 टाइप के। आपके सामने पड़ा है 3:1 है, कितने टाइप के, 2 टाइप के। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप देखें तो 3^n होता है, एन क्या है, कितने जोड़ी विपरीत युग्मकीय लक्षण लेके चले, यहाँ एक, तो एक रखें कितने, 3। ये देख लो आपको 1, 2, 3 मिल रहे। कभी भी आपको जेनेटिक्स के अंदर टाइप्स ऑफ गैमेट निकालना है तो टाइप्स ऑफ गैमेट निकालने के लिए 2^n, जहाँ एन क्या है, कितने जोड़ी विपरीत युग्मकीय लक्षण लेके चले हैं, तो कितने हो गए, यहाँ एक है तो कितने हो गए, 2 टाइप के गैमेट बन गए। दोस्तों पिछली बार प्रयोगशाला सहायक के अंदर ऐसे पूछ लिया था कि जैसे ए ए है, बी बी है और सी सी है, इसका फिनोटाइप क्या है, ये सारे प्रभावी एक अप्रभावी है, अर्थात ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप कितना है, 3:1 होता है। ये पिछली बार प्रयोगशाला सहायक के अंदर पूछ लिया था, तो कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये इस प्रकार अपने यहाँ पर क्या कंप्लीट किया है, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हुआ है। क्रॉस का मतलब ये होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एनालिसिस करना, कौन सा ट्रैक कैसे जा रहा है, कौन से
कितने परसेंट जनक से, कितने परसेंट संत जनक के समान है, कितनी अलग मिल रही है, लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर कैसे होता है, उन सबका एनालिसिस करना क्या है, क्रोश कहलाता है। और मेंडल की सफलता का जो बड़ा जो कारण क्या था, क्रोश ही था। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत बड़ी बात ये थी, एक एक लक्षणों को लेकर के उसने क्या किया था, क्रॉस किया था। उन्होंने 7 जोड़ी विपरीत युग्मी लक्षणों को लेकर के एक एक का क्या किया था, पीढ़ी दर पीढ़ी एनालिसिस किया था। दोस्तों इसके बाद अपन बात करते हैं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है, इन दोनों का प्रैक्टिकली किसका महत्व होता है, क्यों होता है, उसके रेस्पेक्ट में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं टेस्ट व बैक क्रॉस। देखो अपने पास ये जनक है, ये मेल है और ये फीमेल है, और ये अपने को F1 पीढ़ी मिली है, ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी, और ये अपने पास मेल है और ये अपने पास फीमेल है। यहां पर अपन देखते हैं ये प्रभावी है, मेल को अपन ने प्रभावी माना है, और ये अपने पास क्या है, अप्रभावी, इसको अपन अप्रभावी माना है। यहां पर देखो दोस्तों अपन एक तो क्रॉस कराते हैं F1 पीढ़ी है उसका किसी के भी साथ, जैसे TTA या TTA, इनमें से किसी के साथ क्रॉस करवा दिया, एक तो ये क्रॉस है, इस क्रॉस को अपन कहते हैं बैक क्रॉस, ये एक प्रकार का बैक क्रॉस है। और यदि अपन क्रॉस कराएं TTA, इसका क्रॉस कराएं इसके साथ, ये कैसा है, ये है टेस्ट क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस है। देखो दोस्तों अपन बात करें मेंडल के अंतर्गत जो अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी अपन F1 पीढ़ी का क्रॉस किसी भी जनक के साथ कराएं तो उसको कहते हैं बैक क्रॉस, और यदि अपन अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। आप देखो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है। आप देखो ये टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है, बट बैक क्रॉस का टेस्ट क्रॉस होना जरूरी नहीं है, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है लेकिन बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस होना आवश्यक नहीं है। यदि अपन इसमें से किसी का भी एनालिसिस करें, कोई भी उठा के देखें, जैसे टेस्ट क्रॉस प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस है वो किसका होता है, टेस्ट क्रॉस का। प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से टेस्ट क्रॉस को ज्यादा उपयोग किया जाता है, टेस्ट क्रॉस के द्वारा इस बात का पता लगाते हैं कि जनक कैसा है, मेल या फीमेल में से कौन सा प्रभावी है कौन सा अप्रभावी है। यदि अपने टेस्ट क्रॉस के अंदर देखें तो देखो दोस्तों ये टेस्ट क्रॉस है अपने पास, टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस का मतलब ये अपने पास F1 पीढ़ी है और उसका अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवा रहे हैं। इससे अपने को दो प्रकार के गैमेट मिले, एक तो TTA मिला है, इससे एक ही प्रकार का गैमेट मिला है, ये गैमेट मिले हैं। यदि अपन क्रॉस कराएंगे तो अपने को ये प्लांट मिला है, यदि ये अपन क्रॉस कराएंगे तो अपने को ये प्लांट मिला है, ये अपन क्रॉस कराएं तो कौन सा मिला है, ये मिला है, और ये क्रॉस कराएं तो कौन सा मिला है, ये मिला है। टोटल देखो ये और ये 50% ये और 50% क्या है, ये देखो दोस्तों 50% अपने को कैसे मिले हैं, लंबे प्लांट बट संकर है, और 50% शुद्ध क्या मिले, बोने मिले। यदि अपन देखें इनका रेशियो लंबे और बोनों का तो कितना है, 1:1 है, 1:1 है। अर्थात जो अपने पास जो दोस्तों जो क्रॉस मिलता है, यदि अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस में देखें तो याद नहीं करना पड़ता है। यदि अपना टेस्ट क्रॉस है मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कितना है, 1:1 है, तो डायहाइब्रिड में उसका डबल कर दो। जैसे दोस्तों अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस अनुपात कितना है, 1:1। क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है, टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है F1PD का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा राइट है, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है लेकिन बैक क्रॉस का टेस्ट क्रॉस होना आवश्यक नहीं है। देखो दोस्तों अपन जब डायहाइब्रिड के बारे में बात करेंगे, द्विशंकर क्रॉस के बारे में बात करेंगे, द्विशंकर क्रॉस, तो द्विशंकर क्रॉस में जैसे अपन बात करेंगे फिनोटाइप की, फिनोटाइप्स के बारे में बात करेंगे,
जिससे अपन बात करेंगे जीनोटाइप के बारे में बात करेंगे, जिससे अपन टेस्ट्रोस के बारे में बात करेंगे। इन तीनों में देखो, जैसे अपने पास फिनोटाइप है तो अपने को मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितना मिला है, 3:1 मिला है, तो इसका गुणा कर देंगे 3:1, अपने पास क्या मिल जाएगा, डाइहाइब्रिडस। रेशियो आएगा 9:3:3:3:1। तो यदि अपने को पूछे द्विशंकर क्रॉस में, डाइहाइब्रिड क्रॉस में, ऐसा क्रॉस जो दो जोड़ी विपरीत युग्मकी लक्षण लेकर के क्रॉस कराया जाता है वो क्या कहलाता है, द्विशंकर क्रॉस, और जो एक जोड़ी लेकर कराते हैं वो क्या कहलाता है, एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस का F1PD के अंदर अपन F2PD में देखते हैं फिनोटाइप 3:1 है, तो द्विशंकर क्रॉस का फिनोटाइप कितना रहेगा, 9:3:3:1 रहेगा। यदि अपन जीनोटाइप को देखें, ये कितना है, 1:2:1 है, इसका अपन क्रॉस कराते हैं 1:2:1 से, तो अपने को मिलेगा 121, 242 और 121। ये क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप ये है, जबकि डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या है, ये। सेम टू सेम टेस्ट्रोस अपन देखेंगे, टेस्ट्रोस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितना है, 1:1 है, इंटू 1:1 करेंगे अपन, तो अपने पास क्या मिलेगा, 1:1:1:1। तो ये तीन डाटा अपने पास किसका है, डाइहाइब्रिड क्रॉस के। यदि अपने को पूछे डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप कितना है, 9:3:3:1 है। यदि आपको पूछे जीनोटाइप कितना है, तो 1:21, 242, 121 है। यदि आपको पूछे टेस्ट्रोस का अनुपात कितना है, 1:1:1:1 है। यदि अपने को पूछे कि इसमें टाइप्स ऑफ गैमेट कितने मिलेंगे, तो टाइप्स ऑफ गैमेट कितने होते हैं, 2n होते हैं। n जहां कितना है, 2 है, अर्थात डाइहाइब्रिड क्रॉस में कितने टाइप के गैमेट मिलेंगे, 4 टाइप के। यदि आपको पूछे टाइप्स ऑफ फिनोटाइप कितना मिलेगा, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप होता है वो होता है 2n है, जहां n इक्वल टू कितना है, 2 है, अर्थात कितने मिलेंगे, 4 टाइप के। देखो दोस्तों आपके सामने 4 टाइप के हैं। यदि आपको पूछे टाइप्स ऑफ जीनोटाइप कितने हैं, तो जीनोटाइप 3n है, जब n इक्वल टू 2 है, अर्थात ये कितने हैं, 9 है, अर्थात आपके सामने पड़े हैं, देखो 3, 3, 6 और 3 कितने हैं, 9 है। जीनोटाइप कितने टाइप के हैं, 9 टाइप के हैं। तो आपको चाहे टाइप्स ऑफ गैमेट पूछे, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप पूछे, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप पूछे, रेशियो पूछे, किसी को भी क्या कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो। अपन देखो दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं क्रॉस के बारे में, जैसे टेस्ट्रोस क्या है, बैक क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है। एक रेसिप्रोकल क्रॉस होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब होता है जिससे अपन जनक लेके चले, एक को मेल प्लांट लिया है, एक को फीमेल लिया है। यदि मेल और फीमेल का आपस में अपन चेंज कर दें, मेल की जगह फीमेल ले लें, फीमेल की जगह मेल ले लें, तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। मेल और फीमेल को आपस में अपन एक्सचेंज करके जो लेते हैं वो क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। अब दोस्तों अपन डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसका थोड़ा मैं मैथमेटिकल एनालिसिस करता हूँ, वो मैं आपको आगे वाली क्लास के अंतर्गत डाइहाइब्रिड क्रॉस का मैथमेटिकल एनालिसिस बताऊंगा, क्योंकि इस पे क्या क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनती है और स्टूडेंट जाकर के फंस जाता है, उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाता है उसको अपन जस्ट आगे वाली क्लास के अंदर देखते हैं। थैंक यू दोस्तों।